दोस्तों, रशिया ने कोविड-19 के बचाव के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है और दुनिया की कोरोना वायरस से बचाव की ये पहली ऑफिशियल वैक्सीन है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब इसको अपने देश में लॉन्च किया तो बताया कि इस वैक्सीन का पहला शॉट उनकी अपनी बेटी को दिया गया है। हालांकि उन्होंने नाम उजागर नहीं किया कि ये वैक्सीन उनकी किस बेटी को लगाया गया है, लेकिन अब एक बात जान लीजिए दोस्तों कि इनकी दोनों बेटियां जो हैं वो अरबपति हैं और रशिया में वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाती हैं। पुतिन की दोनों बेटियां कुछ समय पहले तक मीडिया के सामने नहीं आती थी और उनको जनता से हमेशा दूर रखा जाता था। उनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से बेटियां जो हैं वो सोशल लाइफ में आ गई हैं और जो इन्फॉर्मेशन जनता के बीच में आई है वो ऐसी है कि दोनों बेटियों के पास अरबों की संपत्ति है और उनके पति भी अमीर इंडस्ट्रियल घरानों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, बहुत लंबे समय तक पुतिन ने ये ट्राई किया कि उनका जो परिवार है वो पूरी तरह से प्राइवेसी में रहे और कम से कम 20 साल तक पुतिन ये करने में कामयाब भी रह गए। लेकिन अब जब उनकी बेटियां जो है वो सोशल लाइफ में और बिजनेस में बड़ी बड़ी छलांग लगा रही हैं तो ऐसा करना मुश्किल हो जाता है और इसलिए वो सामने आ गई हैं। दोस्तों, ये बात भी सभी जानते हैं कि पुतिन जो है वो दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। कुछ साल पहले पुतिन का अपनी पत्नी ल्यूडमिला से तलाक हो गया था और पुतिन की बेटियों का नाम मरिया और कैटरीना है। मरिया 35 साल की है तो कैटरीना उनसे एक साल छोटी है, यानी कि 34 साल की। मरिया डॉक्टर है। उनका जन्म लेनिनग्राद में हुआ। जब मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में ये डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी तभी उनको पोलैंड के बहुत ही धनी परिवार से ताल्लुक रखने वाले जोरिस फासेन से प्यार हो गया। जोरिस 2006 में मॉस्को में डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए आए थे। वहाँ प्यार होने के बाद उन्होंने शादी कर ली और दोनों रशिया में ही बहुत ही आलिशान तरीके से रहते हैं। तो मरिया अपने पिता के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग एडवाइजर भी रही हैं। उनकी जिंदगी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने चारों तरफ रहस्य का एक कवच बनाकर रखती हैं और मीडिया से बहुत दूर रहती हैं और प्रेस कई बार उनको पुतिन की सीक्रेट डॉटर भी कहते हैं। वैसे कुछ समय पहले मरिया ने मीडिया में बहुत इंटरव्यू दिए। उन्होंने ये कहा कि वो कैंसर की दवा बनाना चाहती हैं। मरिया रशिया की एक बहुत ही नामी हेल्थ केयर कंपनी नोमैको की सहमालकिन और टॉप एग्जीक्यूटिव है। $894 मिलियन की ये मेडिकल फर्म आमतौर पर कैंसर रिसर्च पर फोकस करती है और रशिया में हेल्थ केयर सेक्टर में ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें पिछले कई दिनों में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि मरिया की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति अरबों में है। वही उनके पति की भी रशिया में कई सारी बड़ी कंपनियां हैं और ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर होने के नाते मरिया ही पुतिन की वो बेटी हो सकती है जिनको सबसे पहले वैक्सीन का डोज दिया गया हो। पुतिन की दूसरी बेटी का नाम है कैटरीना तिखोनोवा। वो 34 साल की है। कैटरीना एक्रोबेटिक डांसर है और कई साल पहले वर्ल्ड एक्रोबेटिक डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर उसमें स्थान भी हासिल कर चुकी है और अब वो मॉस्को यूनिवर्सिटी से जुड़े दो प्रोजेक्ट में डायरेक्टर है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट तो खासा बड़ा और मोटे धन वाला है। पिछले साल दोस्तों आरबी की मीडिया ग्रुप ने उनकी छोटी बेटी कैटरीना के बारे में एक रिपोर्ट करवा दी कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट की योजना बना रही हैं जिस पर $1.5 बिलियन की रकम खर्च होगी, जो कि बहुत मोटी रकम है। और छोटी बेटी कैटरीना की शादी दोस्तों किरिल शेमोलोव से हुई। शेमोलोव के पिता निकोलाय रूसिया बैंक के सहमालिक हैं। किरिल खुद मॉस्को की बड़ी कंपनी सीबूर होल्डिंग में वाइस प्रेसिडेंट है और देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी में इनकी मोटी हिस्सेदारी भी है। हालांकि 2 साल पहले यह खबर आई थी कि दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन शायद यह खबर सही नहीं थी। वैसे रूसी मीडिया का आकलन है कि कैटरीना की व्यक्तिगत संपत्ति भी अरबों में है। तो दोस्तों, ये थी पुतिन की दो अरबपति बेटियां। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।